कितनी नफासत से ये रेडी हुई है जरा भी एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा नहीं है और... अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल हारिया किचन यानी मेरे लोग कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूं तो कल वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया तो आज उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूं आज की वीडियो में मैं आपके साथ पैच को शर्ट के साथ अटैच करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे पैच को आप शर्ट के साथ इजी तरीके से अटैच कर सकते हैं वो भी घर पर बगैर पैसे लगाए तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है इसके साथ ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैंने एक शर्ट से दो शर्ट्स रेडी की वो भी इतनी प्यारी और मैं अपने बेटियों के पहने हुए भी आपको दिखाऊंगी किस तरह जो है आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल भी और ज़बरदस्त भी जो कि पहनने में बहुत ही प्यारी लगे तो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी सिलाई के बारे में, में भी आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है बहुत ही आसान तरीके से पैच को शर्ट के साथ अटैच करने का तरीका आपको आज बताऊँगी और आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है बेल का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके चलो जी चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग ये देखिए यूवर्स ये है वो पैच जो मैंने खुद लगाई थी और बनाई थी ये देखें कितनी नफासत से ये रेडी हुई है ज़रा भी एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा नहीं है और ये देखें अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको लगाया कैसे था तो ये देखें पहले मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी यहाँ पर ये देखें इस जगह पर और दूसरी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी ये हो गई पक्की ठीक है फिर मैंने पाइपिंग लगा दी अब मैं आपको उल्टी साइड से भी दिखाती हूँ ये देखें एक सिलाई ये होगी और एक सिलाई ये होगी ठीक है और इसके बाद पाइपिंग लग गई तो ये देख कितनी नीटनेस आई ये पाइपिंग के साथ ना ये देखें और उसके बाद मैंने क्या किया ये जो फ्लावर थे ना ये देखेंगे ये हुए तो फ्लावर सुई धागे की मदद मतलब से इनको पक्का कर दिया ताकि ये साथ लग जाए ये देखें ये आपको बड़े बड़े रंगे नजर आ हैं ये देखें इस तरीके से इस तरीके से ये देखें मैंने इसको सारे फूलों को यहाँ यहाँ फूल थे वहाँ वहाँ से सुई की मदद से पक्का कर लिया ये देखें एक सूट का चार पाँच सौ तो आराम से ले लेते हैं ये प्याज लगाने वाले तो ये देखें फिर इस तरीके से ये देखें मैंने आपको दिखा रही हूँ सारे फ्लावर को पक्का कर लिया और ये देखें हमारी कितनी नफासत से जो है प्याज लग गई घेरे पे और इस तरह ही मैं आपको गला भी दिखाती हूँ ये देखें ठीक है यहाँ पे आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं लेकिन मैंने नहीं लगाए ये देखें और इसके साथ ही मैं आपको बाजू भी दिखाती हूँ ये देखें बाज़ू बाजू की पाइपिंग बहुत प्यारी लगी थी ये देखें इसको भी मैंने ऐसे किया पहले यहाँ पे सिलाई लगा दी फिर यहाँ पे लगा दी और इसके बाद इस तरह मैंने गुलाई में लगा दी गुलाई में लग गई ये पक्का हो गया फिर मैंने क्या किया इन फ्लावर को मैंने टांके लगा दिए अंदर से याद देखें सिलाई भी आपको नज़र आ रही होगी और ये टांके भी आपको नजर आ रहे होंगे ये देखें इस तरह मैंने इनको पक्का कर दिया और कितनी प्यारी है ये जो है ना देखें जरा भी टिशू नज़र नहीं आ रहा और कितनी नफास से जो है ये बनी है ठीक है और कैसे मैंने एक सूट से दो सूट रेड किए ये भी आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने एक सूट से दो सूट बनाए आपको इसका भी तरीका बताऊँगा ये देखिए इसकी लेंथ भी माशाल्लाह लंबी है मे मेरी बेटी का है माशाल्लाह और वो मुझसे लंबी है उसकी हाइट ना मुझसे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से लंबी है तो ये उसका है शर्ट और ये देखें कितनी ज़बरदस्त डी हुई है बस इसकी मैंने और कोई डिज़ाइनिंग नहीं की सिंपल ही रखा है आपको पता है गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो है ना वो पहनी नहीं जाती तो ये मैंने उसके लिए ईद के लिए सोट लाई किया था ये देखें सारे इस चारों तरफ मैंने इसकी पाइपिंग कर दी थी और इसके साथ का मैं आपको ट्रोज़र भी दिखा देती हूँ और फिर बताती हूँ कैसे मैंने एक सूट से दो सूट रेडी किए थे ठीक है इसका पजामा कमीज था तो इसके साथ मेरी बेटी क्या यह थी बेल बॉटम जो है वो खुला पजामा होना चाहिए तो मैंने ना इस तरह खुले पौचों वाला उसका पजामा बना दिया और ये जो पट्टी है ये शर्ट के साथ ही थी डिज़ाइनिंग करने के लिए चाहे इसको जहाँ मर्जी लगा के आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तो मैंने कहीं और नहीं की बस यहाँ पे पौचों पे लगा दिया और बस और माशाल्लाह मेरी बेटी का इतना प्यारा सूट जो है वो रेडी हो गया था ये हो गई जी दूसरी शर्ट ठीक है ये देखें ये मेरी छोटी बेटी का इसमें से शर्ट बन गई थी ठीक है ये पेज मैंने ऐसे लगा दी लेकिन यहाँ पे मैंने इसको सिलाई नहीं लगाई यहाँ पे मैंने इसके लैस दे दी आप इस तरह से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं लैस भी दे सकते हैं और इसके फ्लावर मैंने ऊपर को नहीं किए बल्कि नीचे को कर दिया ये देखें ऐसे उसके मैंने डिज़ाइन था ऐसे वैसे ही बनाया था लेकिन इसके मैंने जो है ये फ्लावर नीचे को कर दिए और यहाँ पे मैंने फिर इस तरह दो कलियाँ डाल के तो मैंने यहाँ पे ये जो है वो इसमें पाइपिंग दे दी और इसकी चारों साइडों पर मैंने पाइपिंग कर दी घेरे पे ये देखें ऐसे ठीक है और बाजू इसके मैंने सिंपल रखे हैं हाफ़ और ये थोड़ी सी इसमें से बच गई थी मैंने क्या किया गले पे यहाँ पे ऐसे काटी यहाँ से काट दी इधर से भी फोल्ड कर दी इधर से भी फोल्ड कर दी और इसको मैंने लगा दिया ऐसे गले पे ये देखिए तो इस तरह हमारा गला भी बहुत अच्छा रेडी हो गया और जो है वो अच्छा डिज़ाइन भी बन गया अब इसका जो है वो मैंने शरारा बनाया था इसके साथ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा था मेरी बेटी के पहना हुआ ये देखें ये है जी उसके साथ शरारा ठीक है ये देखें ये मैं शलवार का जब कपड़ा लेके आई थी ना तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा ना डेढ़ मीटर कपड़ा दे दे कुछ शलवार से भी बच गया थोड़ा बहुत कटाइयों से और कुछ ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया इसका मैंने अपनी बेटी का शरारा बना दिया और मैं ये लेस लेके आई थी शीशों वाले ढूंढ के शर्ट के साथ की यहाँ पे लगा दी और सिंपल यहाँ पे लगा दी और ये मेरी बेटी का इतना प्यारा जो है वो सूट रेडी हो गया अब मैं बताती हूँ ये कौन से ब्रांड की शर्ट थी ये थी शर्ट इंड्रोप की ठीक है तो कुछ लोग इसको इडन रोब बोलते हैं कुछ इंड्रोप बोलते हैं मुझे नहीं पता सही लफ्ज़ क्या है लेकिन ये मैंने इंड्रोप से ली थी और ये शर्ट ओनली आई थी पैचेस के साथ ट्वेल्व हंड्रेड की बारह सौ की ये शर्ट आई थी जिसमें दो शर्टें रेडी हो गई माशाल्लाह से और और आप लोग भी ले सकते हैं अभी भी इन पर फिफ्टी फ़ीसद डिस्काउंट जो है वो लगा हुआ है इन रोड पे चार तारीख तक डिस्काउंट है तो बड़ी ज़बरदस्त शर्टें मिल जाती हैं मैंने भी ये पिछले साल डिस्काउंट से ली थी इस दफ़ा भी मैंने कपड़े लिए हैं वो मैं आपको कल को इसकी वीडियो बना के दिखाऊँगी लेकिन ये पिछले साल का है तो मैंने ले रख लिया था कि जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो मैं अपने बच्चों के बना दूंगी ये है जी मेरी हानिया की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था पहना हुआ थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और कमरे में इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी लेकिन फिर भी माशाल्लाह से अच्छी वीडियो लग रही है अच्छा लग रहा है पहना हुआ हानिया के मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था अगर मैं यही सिलाई वाली को देती तो वो इसके पाँच सौ छः सौ रुपया सिलाई भी ले, ले लेती और इसके अलावा वो कपड़ा भी वापस नहीं करती तो माशाल्लाह से मेरी बड़ी बेटी का भी और छोटी बेटी का भी दोनों का एक ही शर्ट से दो शर्टें मैंने बना दी थी और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से पैचेस भी मैंने घर पे ही रेडी कर लिए थे और ये है जी हादिया की फाइनल लुक तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है अगेन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इसके साथ ही अल्लाह हाफिज व्यूअर्स